ब्यूटीफुल लेडीज, लिटिल सिस्टर्स, बहना बहनों, सारे कैसे हो? आपके पास ड्रोन है या आप ड्रोन खरीदने के लिए सोच रहे हो क्या? आप क्या ब्लॉगर है, यूट्यूबर है या ऐसे ही शौकीन है ड्रोन खरीदने के लिए, और ड्रोन आपके हाथ में आ गया और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे उड़ाए, थोड़ा झिझक महसूस होती है? मेरे साथ तो हुई है। मैंने 5-6 पहले महीने खरीदी थी ड्रोन, लेकिन जब भी ड्रोन उड़ाना होता था मैं किसी ना किसी को बुला के उनका हेल्प लेता था। मुझे लगता था मेरे से ड्रोन उड़ जाएगा तो ड्रोन उड़ता ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा या तो क्रैश हो जाएगा, इसलिए इस चक्कर में मैंने उड़ाया नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मैं किसी का हेल्प लेते रहूँगी, क्योंकि आई स्टे अलोन और किसी हर समय किसी को बुलाना मुश्किल हो जाता, अपना काम खुद ही करना चाहिए। इसलिए मैंने फाइनली लास्ट टाइम पार्क में लेके गई बाहर में, और मैंने फाइनली ड्रोन उड़ा लिया। एंड इट्स नॉट वेरी टफ, ओके, इजी है। मैं आपको दिखाती हूँ विदाउट फर्दर एडियो, तो चलिए मेरे साथ ड्रोन सीखने। सो आई हैव गॉट द ओल्डेस्ट DJI Mavic Mini, जो कि मैंने कॉम्बो पैक लिया था। 3 बैटरी आती है, एक बैटरी का लाइफ अराउंड 25 मिनट्स है। यहाँ से चार्जिंग होती है बैटरी की, और बैटरी को आप जब निकालें तो आप थोड़ा सा पिंच करके ऐसे दबा के निकालना। इस ड्रोन में मिनी SD कार्ड डलती है, यहाँ से आपको SD कार्ड का स्लॉट है, और इसके साथ आपको प्रोपेलर एक्स्ट्रा विंग्स भी मिल जाएगी स्क्रू के साथ, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि प्रैक्टिस के समय मेरे से टूट गया था। तो जब भी आप विंग्स को रिप्लेस करें, मेक श्योर कि यूट्यूब में कुछ वीडियो देख लेना, क्योंकि विंग्स को डालने का भी एक तरीका होता है। इसमें निशान दिया गया है, 1 stripe 2 stripe, उसको मिला के डालना पड़ेगा। दिस ड्रोन इज़ 249 ग्राम, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि 250 ग्राम से जो अबव होता है उसमें लाइसेंस लगती है, इसमें लाइसेंस नहीं लगता। और इसकी कैमरा क्वालिटी है 2K, 12 मेगापिक्सल है। तो लेग को ऐसा करके निकालना होता है, नीचे वाले को थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर दो। जब भी ड्रोन उड़ाए उससे पहले ये कैप हटा देना। यहाँ पे 3-axis गिम्बल है और ये है कैमरा। ड्रोन उड़ाने के बाद मेक श्योर कि कैप को जैसे भी वहाँ पे डाल देना दोबारा, नहीं तो कैमरा को स्क्रैच आ जाएगी। यहाँ से बैटरी डालती है,
इसके साथ प्रोपेलर गार्ड आता है, आप बिना गार्ड का भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन इससे खतरा है, कहीं पेड़ में कहीं पे ये फंस गया तो इसका विंग्स को टूटने का डर है। अगर ये प्रोपेलर गार्ड डालता है तो बहुत ही सेफ हो जाता है ये। और इस गिम्बल के साथ कंट्रोलर आता है, आप रिमोट भी बोल सकते हो, और कंट्रोलर से ही आप कंट्रोल करोगे कि गिम्बल को कौन सा डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, वही से करना है। सो ये है कंट्रोलर, इसको ऐसे निकालते हैं, फिर इसमें जो जॉयस्टिक वहाँ पे है, जॉयस्टिक को निकाल के आपको फिटिंग करना पड़ता है। और सारा कंट्रोल जॉयस्टिक से ही होता है, जॉयस्टिक से ही आप जो ड्रोन का मूवमेंट है, राइट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, और रिटर्न टू होम करना है। रिटर्न टू होम के लिए जो लेफ्ट साइड में जो बटन है ऊपर में, वहाँ पे दबाना है, या तो आप ये जॉयस्टिक को ही अपने साइड में खींच सकते हो। तो इसके मैं कभी दिन वीडियो बनाऊँगी कैसे कंट्रोल करना है। इसके साथ आपको वायर मिल जाएगी अलग अलग, एंड्रॉयड के लिए, आईफोन के लिए, एप्पल के लिए। ये है गिम्बल को आप यहाँ से ऑपरेट करना है कि कैमरा का एंगल कौन सा में डलेगा। रेड वाले बटन से आप रिकॉर्ड कर सकता है, आप फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से आपको चार्जिंग होगी कंट्रोलर की। सो दो टाइप का चार्जिंग होगी, एक बैटरी का चार्जिंग और ये एक रिमोट जो कि कंट्रोलर का चार्जिंग अलग अलग होगा। यहाँ से आपको डालना है वायर को, यहाँ से करके दूसरे सिरे को आप फोन से कनेक्ट करना है। ये वाले को फोन से कनेक्ट कर देना है अपना फोन से, ठीक है। आप यहाँ से ऐसा करके इसको कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं या तो ऐसा। ये दिस इज द गिम्बल। यहाँ से आप कैमरा को, गिम्बल को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, व्यू को कौन सा आपको व्यू दिखाना है, ऊपर का व्यू करना है कि नीचे का, ये यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज द कैमरा गिम्बल एंड यू कैन रिकॉर्ड फ्रॉम दिस रेड बटन एज वेल। सो लेट्स फ्लाई ड्रोन विद मी। ऐसा लगाता है फोन को, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे वायर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, वायर्ड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एंड फोन को मैंने यहाँ पे ऐसा डाल दिया। ओके, सो इट्स लाइक दिस, माई फोन इज रेडी। ओके, सो माई फोन इज़ रेडी। इसको ऐसा पकड़ना है और ये एंटीना ऐसे ऊपर होगा। ओके, एंटीना ऐसे ऊपर है एंड अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड में इस बटन को दो बार प्रेस करनी है, 1 2 ऐसा करके फिर छोड़ देना, ठीक है। 1 2 देखो साउंड आया ना, डन। अभी ये वाला तो अभी रेडी है। इसमें भी, ड्रोन में भी, अभी पीछे में एक बटन है, ये वाला, दिस बटन, इसको भी आप दो बार प्रेस करना है, 1 2। देखो साउंड आएगी, नहीं, इट इज रेडी, ठीक है। अभी ये ड्रोन भी रेडी है, ये भी रेडी है। ये सब करने से पहले मेक श्योर कि आपने DJI फ्लाई ऐप डाउनलोड किया है, उसको रजिस्टर करने के बाद गो फ्लाई में क्लिक करना है, फिर आपको लेफ्ट साइड में जो अप एरो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको टेक ऑफ का ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेगा ड्रोन जो टेक ऑफ कर लेगा। मैंने आपको बताया नहीं कि जो स्टिक वगैरह कैसे यूज़ करना है अप एंड डाउन, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और मेरे पास असिस्टेंट कैमरा नहीं था जो कि मुझे करते हुए खींचे। जो रेड वाले बटन से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा का अलग अलग मोड है, सिनेमैटिक मोड में खींच सकते हो, स्पोर्ट्स में, और यहाँ पे आप अपने जो भी फुटेज है वो देख सकते हो। फुटेज को आप, वीडियो फोटो को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ही मोबाइल फ़ोन में। सो ये था, नेक्स्ट टाइम मैं जॉयस्टिक को कैसे यूज़ करना है, अप डाउन कैसे करना है वो दिखाऊंगी, अगर टाइम मिला तो, और एक्स्ट्रा कोई कैमरामैन असिस्टेंट मिला तो। बिकॉज इट इज़ क्वाइट डार्क नाउ,
बहुत ही, अब एक्चुअली अंधेरा हो गया यहाँ पे, कैमरा में तो उजाला लग रहा है लेकिन ड्रोन के कैमरे का क्वालिटी कम है, इसमें अंधेरा इसलिए दिख नहीं रहा, सो आई हैव टू फ्लाई इन द डे टाइम।